नमस्कार, हेडलाइंस बिहार में आपका स्वागत है। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी कैबिनेट की घोषणा हो चुकी है। कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों को इनमें स्थान दिया गया है। इनमें कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो कि विवादित चेहरे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है वरिष्ठ पत्रकार अमित जी। अमित जी से जानते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में विवादित चेहरों को मोदी कैबिनेट में स्थान दिया गया। देखिए, विवादित चेहरों को स्थान देने का मामला नहीं है। मामला यहाँ यह है कि गृह मंत्रालय, अब यह गृह मंत्रालय में जिन लोगों को बैठाया गया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किस दिशा में काम करेगी। गृह मंत्रालय में बैठे हैं अमित शाह, जो कभी तरीपार रह चुके हैं, जिन पर हत्या के कई मामले चल रहे थे, भले उसमें से बरी हो गए, अदालत में वो बरी हो गए हैं, या जो जांच करने वाली इन एजेंसी थी वह फिर अपील नहीं की, इस तरह के कई मामले हैं, चाहे जज लोया कांड में उनकी संदिग्ध भूमिका, ये सारी चीज़ें उन पर अभी भी लंबित है। ऐसा नहीं है कि वह पाक दमन हो गए हैं। वह भले है कि बीजेपी में जिस तरह से पवित्रता का प्रमाण पत्र दिया जाता है किसी को भी दागी को ला करके, तो उस अनुसार से वो पवित्र भले हो गए हैं, लेकिन पाक दामन नहीं हुए हैं। जनता उन्हें जानती है कि उनका पूर्वकृत उन पर क्या आरोप रहे हैं, क्या उन्हें आरोप झेलना पड़ा है, किस तरह से उन्हें अपने ही गुजरात से तरीपार भी होना पड़ा था, चाहे वो तुलसी प्रजापति का मामला हो, चाहे वो सोहराबुद्दीन केस हो, कौशलवी केस हो, चाहे वो जज लोया का केस हो, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो अभी भी चल रहे हैं। हाँ, उसमें भले है कि उसमें बरी हो गए हैं, निचली अदालतों से ये बरी हो गए हैं और उसमें ऊपर में अपील ही नहीं किया गया। अब इसी तरह से आप देख लीजिए, दूसरे नंबर मतलब उसी गृह मंत्रालय में किन्हें बनाया गया है गृह राज्य मंत्री किन्हें बनाया गया है, वो है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय के बारे में आपको कहानियाँ सुननी हो तो आप हाजीपुर जाके सुन लीजिए, बहुत सारी अतिरंजित और बहुत सारी सच्ची कथाएँ वहाँ कही जाती है, सुनी जाती है। एक उन पर भी हत्या का बहुत संगीन आरोप था, भले उसमें बरी हो गए, वह था बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद जो थे विष्णुदेव राय, उनके भाई की हत्या का आरोप था और उसमें वो नामजद अभियुक्त थे, उन पर बहुत लंबे अरसे तक केस चला था, भले उसमें वो भी बरी हो गए। बरी तो बहुत लोग हो जाते हैं, क्या सच्चाई है यह हाजीपुर जान करके पता कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी, बहुत सारी कथाएँ हैं, जमीन के मामले हो, बहुत तरह तरह की रंगीन कथाएं भी उनके बारे में चलती रहती हैं, तो वह उनका चरित्र ऐसा है। अब एक दूसरे गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी पर कोई इस तरह का आरोप तो नहीं है सीधा, लेकिन जी किशन रेड्डी भी बहुत काबिल राजनेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। वह भी मतलब विवादास्पद बयान देने वाले नेता के रूप में उनकी ख्याति है। और कल आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में वह जो शपथ लेते और आखिर में जो भारत माता की जय वो कर रहे थे। भारत माता की जय करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किस मौके पर कहाँ होना चाहिए यह तो समझना चाहिए। और वह उस मंच पर मतलब इसका मतलब वो प्रधानमंत्री से ज़्यादा भारत माता की जय करने वाले हैं, अपने ही गृह मंत्री अमित शाह से ज़्यादा भारत माता के देशभक्त हैं, तो वो नहीं कर रहे थे लेकिन ये भारत माता की जय करके ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। इसी तरह का विवादास्पद बयान उन्होंने वहाँ की जो टेनिस खिलाड़ी है सानिया मिर्जा उसके खिलाफ दिया था। इस तरह के चरित्र के लोगों को बैठाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दिशा क्या होगी, नज़रिया क्या होगा। पहले अमित शाह चलाते थे गृह मंत्रालय, CBI को संचालित करते थे, ED को संचालित करते थे, अब सीधा उनके नियंत्रण में होगी ये सारी चीज़ें। पहले NIA को वो संचालित करते थे, इस बार वो सीधा उनके अधीन चलेगी। IB अब उनके अधीन चलेगी, वो सीधा उनका नियंत्रण होगा। पहले परोक्ष रूप से नियंत्रण होता था, तो समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। CBI में क्या घटित हुआ था ये सबको पता है। नवीन वर्मा थे ना CBI के डायरेक्टर, उनके समय में क्या हुआ था आप सबको पता है। इनके जो नाक के बाल अधिकारी थे उनके द्वारा वहाँ क्या खेल रचा गया यह सारी दुनिया जानती है। इस तरह की चीज़ें बहुत कुछ होगी। अब तो यह स्पष्ट हो गया कि इनकी दिशा क्या होगी, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। अब
मोदी कैबिनेट में इस बार गिरिराज सिंह को भी प्रमोशन दिया गया है, उन पर भी 420 धारा के तहत और कई मामले दर्ज हैं, उन पर आपकी क्या विचार है? देखिए, गिरिराज सिंह को तो प्रमोशन मिलना ही था। गिरिराज सिंह देखिए ऐसे ही इस मंत्रिमंडल में आप देख लीजिएगा, चंद लोगों के अलावे ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिस सिर्फ बरबोलेपन के कारण उनकी पहचान, और वो विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। मतलब रामकृपाल इन्हें स्वीकार्य नहीं है, जिनका दामन ज़्यादा पाक है, लेकिन नित्यानंद राय इन्हें स्वीकार है, इन्हें दूसरे ब्राह्मण मंत्री नहीं स्वीकार हैं, इन्हें अश्विनी चौबे स्वीकार है, इन्हें मतलब हारा हुआ हरदीप पुरी को मंत्री बनाना स्वीकार है, जबकि हरदीप पुरी पर बहुत सारे विवादास्पद बयान के लिए बहुत चर्चित रहे बहुत अल्प समय में वो, लेकिन हरदीप पुरी को इन्हें मंत्री बनाना स्वीकार है हारा हुआ व्यक्ति को। लेकिन विकास के मामले में और बहुत गैर विवादास्पद छवि के जो वो मंत्री थे पूर्व रेल राज्य मंत्री वो हार गए, तो इस बार उनको बनाया नहीं गया। मनोज सिन्हा जबकि उन्हें बनाया जाना चाहिए था, वो गैर विवादास्पद लेकिन काम करने वाले मंत्री थे। जब आप हारे हुए को बना सकते हैं तो मनोज सिन्हा को क्यों नहीं बनाया? तो इन्हें मनोज सिन्हा नहीं गिरिराज सिंह चाहिए, तो गिरिराज सिंह को, लेकिन गिरिराज सिंह को ही कैबिनेट मंत्री भले बनाया गया लेकिन उनका जो पद है वो देख लीजिए। कल शपथ ग्रहण के दौरान 50 या 55 नंबर पर एक आदमी आते हैं शपथ ग्रहण लेने, और मोदी जी के बाद भीड़ उनके लिए ताली बहुत अधिक बजाती है, और 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है कि वो उड़ीसा के मोदी हैं, उड़ीसा के सन्यासी हैं और गरीब हैं और उन्होंने धनिक उम्मीदवार को हराया है, उनके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उन पर भी हत्या का आरोप है और कभी उनका बजरंग दल से संबंध हुआ करता था। देखिए, हत्या का उन पर आरोप नहीं है, लेकिन प्रताप चंद सारंगी जो हैं वो प्रताप चंद सारंगी के बारे में अतिरंजित कथाएं चल रही हैं। प्रताप चंद सारंगी से वहाँ कोई अकेले व्यक्ति नहीं है कि इस तरह का जीवन वो जीते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 8 बार सांसद रहे थे, वह भी सादा जीवन ही जीते थे, वो कोई बड़ी बहुत नई अनोखी बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है। मीडिया क्योंकि पुरानी चीज़ें जानती ही नहीं है तो वह इस तरह की कपोल कथाएं लेके चली जाती है। प्रताप चंद सारंगी इससे पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं वहाँ से। प्रताप चंद, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इनका यह पहला राजनीतिक कैरियर नहीं है। प्रताप चंद सारंगी उस समय आप लोग सुने होंगे ग्राहम स्टेन्स की हत्या कर दी गई थी, ईसाई मिशनरी थे और उन्हें और उनके 2 बच्चों के साथ जला के मार दिया गया था। तो जब उन्हें मारा गया था उसे बजरंग दल पर आरोप था कि बजरंग दल के लोगों ने मारा था, दारा सिंह बजरंग दल का एक कुख्यात कार्यकर्ता था जिसने ये कांड को अंजाम दिया था, और उस समय बजरंग दल के वहाँ के मुखिया हुआ करते थे प्रताप चंद सारंगी। तो प्रताप चंद सारंगी बहुत पाक दामन आदमी हैं ऐसा भी नहीं है, देखिए यही RSS की यही पहचान है, उनकी एक छवि दूसरी होती है, कार्य कुछ अलग करते हैं। तो प्रताप चंद सारंगी वही थे। प्रताप चंद सारंगी पर उस समय सवाल उठे थे लेकिन उनकी उस समय सरकार थी, केंद्र में लगातार सरकार रही, तो वो मामला उस रुख में नहीं गया जिसमें प्रताप चंद सारंगी पर भी कार्रवाई हो सके। पूछताछ हुई लेकिन क्वेश्चनिंग नहीं हुआ, मतलब उनसे प्रति प्रश्न नहीं हुआ, सिर्फ उनसे जवाब मांगा गया और उन्होंने जवाब दे दिया, उसके अलावा उनसे बहुत गहरी पूछताछ नहीं हो सकी थी। नहीं तो उस समय भी उन पर भी उस मामले में संदेह थे, संदेह उन पर मजबूत आरोप था उन पर भी, लेकिन वो मामला निपट गया, वो मामला कोई आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन प्रताप चंद सारंगी को यह जो महात्मा बताया जा रहा है, अब यहाँ तो परमेश्वर मुखिया भी थे बिहार में, परमेश्वर मुखिया का जीवन भी देखते, दाढ़ी रखे हुए थे बहुत, एकदम सादा जीवन जीते थे, तो क्या परमेश्वर मुखिया बहुत बड़े संत तो थे नहीं? परमेश्वर मुखिया पर भी बहुत सारे आरोप रहे हैं नहीं हैं, नरसंहार उन्हें बड़े बड़े नरसंहार करवाए थे और यही उनकी पहचान भी थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी को एक संत का वेशभूषा बना दीजिए और कहिए कि महान संत, ऐसा नहीं है। प्रताप चंद सारंगी बजरंग दल के को आप सामान्य रूप में क्या समझते हैं? एक संस्था जो कि धर्म के लिए कट्टर है और कट्टर ही नहीं हिंसा फैलाती है। आज बेगूसराय में अगर बहुत सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है तो उसका एक जिम्मेदार बजरंग दल है। बिहार में इतनी सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें जिम्मेदार बजरंग दल है।
तलवारबाजी जो हुई रामनवमी में और सब जगह जो दंगे हुए उसमें बजरंग दल, उस बजरंग दल का के मुखिया रह चुके हैं उड़ीसा में प्रताप सिंह सारंगी, तो बहुत पाकदामन नहीं। आप इस तरह की कपोल कथाएँ बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखिएगा, आप जैसे सुनिएगा कि आपने बहुत यह सुना होगा कि ये सोशल मीडिया पर वायरल था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो केपी सिंह यादव ने हराया, जी हाँ, एक सेल्फी वाली घटना बताई जा रही थी। वो सेल्फी खींचने के लिए वहाँ उनके आगे पीछे दौड़ता था, उनका अनन्य सेवक था, वो बन गया मंत्री केपी यादव। बहुत वहाँ जानकारी रखने वाले गुना जान के रिपोर्टिंग करें, पता चल जाएगा वो बहुत बड़ा मेडिकल माफिया है। डॉक्टर केपी यादव लिखते हैं, वो ना डॉक्टर है ना पीएचडी है, वो बहुत बड़ा अस्पताल चलाते हैं और उससे उनका धंधा है, वही उनका कारोबार है, मेडिकल माफिया हैं वो। और वो डॉक्टर वो नाम लगाते हैं उनके अपने नाम के साथ, तो यही उनका मुख्य कारोबार है। अब उनको बता दिया गया कि एक सामान्य कार्यकर्ता था, उसको बेइज्जत किया गया तो उसने बदला लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वह टिकट चाह रहे थे एक विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसी दूसरे यादव समुदाय के ही किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दिलवा दिया। इनको ये अब ये बहुत धनी मानी हो गए थे, तो इनको लगता था कि हमको टिकट नहीं दिया गया तो ये अमित शाह के शरणागत हो गए, अमित शाह खोज रहे थे वहाँ से उम्मीदवार, इनको दे दिया। अब परिस्थिति ऐसी बनी कि वो जीत गए, तब ये दिखाया जा रहा है कि एक अदना आदमी ने महाराजा को हरा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। परिस्थिति आई कि वो जीत गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक अदना आदमी है, बहुत बड़े मेडिकल व्यवसाय करने वाले बहुत बड़े आदमी हैं। बहरहाल देखा आपने किस तरह से मोदी कैबिनेट में दागी मंत्रियों को भी स्थान दिया गया है। आप बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, कैमरामैन राज तिलक के साथ मैं रोशन, धन्यवाद।